मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं मोदी का परिवार हूं, तो कभी भी हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम हमारे मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से गद्दारी करेंगे। हम हमेशा पार्टी के साथी हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में माननीय कलाबेन डेलकर जी जो सांसद रह चुके थे, उन्होंने भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने। आप जैसे आप देख सकते हो कि मोदी जी ने ना केवल देश में लेकिन पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है। उसी तरीके से हमारे नगर हवेली में भी और दीव दमन में भी हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल ने जिस तरीके का विकास का काम किया है, वो सारी चीजें देख के हमारे कालाबेन डेलकर जी ने और उनकी जो पूरी टीम है, जो समर्थक है, उन सब ने भी भारतीय जनता पार्टी का जो दामन पकड़ा है, तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं और हम उनका स्वागत भी करते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि इस बार 51,000 नहीं, लेकिन इस बार हम 1,00,000 वोटों से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है श्रीमती कालाबेन डेलकर जी, हम उनको जिताएंगे, सांसद में भेजेंगे और जिस तरीके से मोदी जी का सपना है विकसित भारत, तो उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में नगर हवेली से भी एक सीट हम जाके वहां पे दे देंगे और जो 400 पार का जो सपना है वो हम पूरा करेंगे। जी वंदे मातरम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पॉलिटिक्स के साथ साथ एज अ लीगल काउंसिल मैं एडवोकेट भी हूं। गांव गांव में और भी बहुत सारे मेरे कमिटमेंट्स हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं समय पे किसी जगह पे नहीं पहुंच पाता हूं। तो उस दिन भी यही हुआ था कि मैं किसी व्यक्तिगत कारण की वजह से वहां नहीं पहुंच पाया और उस चीज का जो ये न्यूज बनी है, तो ऐसा बनना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी जो हो गया है तो मुझे लगा कि मैं आपके माध्यम से कुछ चीजें क्लैरिफाई करूंगा ऐसे।